परमेश्वर के वचन का आदर करने का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, तो सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं उस पर मनन करें, उसके वचन के विषय में सोचें कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे हैं, क्या हम उस पर चल रहे हैं या सिर्फ हम पढ़े ही जा रहे हैं। क्या आपको पता है, जब बाइबल कहती है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, तो हम सारे मसीहों को ये आज्ञा माननी है कि हमें व्यभिचार नहीं करना है, तो यही होता है परमेश्वर के वचन का आदर करना। जब बाइबल कहती है कि एक विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी है, तो हमें वैसा ही करना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को आदर कर रहे हैं। जब बाइबल कहती है पुराने मनुष्यों को उतार फेंकने के लिए और नए मनुष्यों को पहनने के लिए, तो हम मसीहों को ये आज्ञा माननी चाहिए, जैसा कि हमें बाइबल बता रही है, जैसा हमें बाइबल कह रही है, हमें वैसा ही करनी है। तो ये होता है परमेश्वर के वचन को आदर देना। जब बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ, तो हमें पवित्र बनना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, तो यही होता है परमेश्वर के वचन का आदर करना। सो मेरे भाइयों और बहनों, आपने वचन में पढ़ा होगा कि मूसा, जो परमेश्वर के महान दास था, नबी था, मूसा ने परमेश्वर के वचन को आदर किया, तो परमेश्वर ने उन्हें महान किया, उसके नामों को महान किया। यहोशू ने परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर उसके नाम को भी महान किया। जितने नबी आए और जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर उन्हें आदर किया। हमारे खुदावंद खुदा यीशु ने परमेश्वर की सारी व्यवस्था को पूरा किया, उसके वचन का आदर किया, और परमेश्वर ने अपने दाहिने सिंहासन पर उसे बैठा दिया। सो मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को आदर करने का क्या मतलब होता है? परमेश्वर को आदर करने का मतलब होता है उसके वचन को आदर करना। और जब हम सारे मसीही लोग परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, तो हम परमेश्वर को आदर कर रहे होते हैं। और जब हम परमेश्वर को आदर करते हैं, जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, तब परमेश्वर हमारा भी आदर करता है, परमेश्वर हमें भी आदर देता है। मेरे भाइयों और बहनों, जहाँ तक हो सके हमें उसके वचन का आदर करना है, उसके बाद फिर देखिए परमेश्वर आपको और हमें ऐसे ऐसे स्थानों पर चलाएगा जिसे आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। सो अंत में मैं यही कहूँगा, रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।